श्री काल। आज हम बात करेंगे द बेस्ट कुकिंग वे। कई बार हम क्या होता है ना, खाना बनाते हैं पर हमको पता ही नहीं होता जिस तरीके से हम कुक कर रहे हैं हमारे फूड के सारे न्यूट्रिशन वेस्ट हो जाते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न किस तरीके से हमारे खाने के सारे न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहें और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाए। आपको पता है कई बार हमारा जो कटिंग का तरीका है ना, वही गलत होता है जिस वजह से हमारा बॉडी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। सबसे पहले जब भी आप वेजिटेबल कट करेंगे, ट्राई टू कट ऑल द वेजिटेबल्स मतलब इक्वली, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा है और बड़ा है तो छोटा वाला जल्दी पक जाएगा, बड़ा पीस को पकने के लिए टाइम लगेगा और वो न्यूट्रिशन लॉस कर देगा। तो ट्राई टू कट योर वेजिटेबल इवनली। सेकंड, जब भी आप खाना बनाते हैं तो जो आपका पैन यूज़ कर रहे हैं उसे ओवर क्राउड मत कीजिए। बिकॉज ऑफ द ओवर क्राउडिंग कुछ चीज़ें जल्दी पक गई, ऊपर की चीज़ नहीं पकी, वही वो जो उसका मॉइस्चर लॉस हो जाता है ओवर क्राउडिंग की वजह से। मॉइस्चर लॉस होने की वजह से फूड अपना जो वाटर सोल्यूबल जितने भी मिनरल्स है, जैसे विटामिन सी हो गया या पोटेशियम हो जाता है, उसको लॉस कर देता है। तो वो हमारे लिए खाना बेनिफिशियल नहीं रहता। तो जब भी आप खाना बनाएं, कोशिश कीजिए जो कढ़ाई में या कुकर जिसमें भी बना रहे हैं उसमें कुछ स्पेस होना चाहिए, जगह छोड़नी चाहिए, उसको ऊपर तक मत भरिए। या ज़रूरत है ज़्यादा खाना बनाने की तो दो टाइम में बना लीजिए, दो बैचेस में बनाइए, या दो बर्तन को एक साथ यूज़ कीजिए, बट डू नॉट पुट एवरीथिंग इन वन स्टफ। थर्ड इज़, हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, जैसे हमने ब्रोकली लिया या हम गोभी की बात करें, हम उनको ब्लांच नहीं करते। ब्लांचिंग करने से क्या होता है, ब्रोकली हो गया या कॉलीफ्लावर हो गया या बीन्स हो गया, इनके जो है ना न्यूट्रिशन इंटैक्ट हो जाते हैं। तो यू शुड ट्राई टू ब्लांच दीज वेजिटेबल बिफोर यू कुक देम डायरेक्टली। आपने एक बार ब्लांच कर लिया मतलब पानी में उबाल लिया इन्हें, फिर एकदम इनको आइस कोल्ड वाटर में डालिए। ये प्रोसेस करने से इनका एक तो कलर एंड फ्लेवर इंटैक्ट हो जाते हैं, इनके सारे न्यूट्रिशन भी इंटैक्ट हो जाते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट, फोर्थ इम्पॉर्टेंट मिस्टेक, कई बार क्या करते हैं हम लोग, ओवर कुकिंग ऑफ द फूड कर देते हैं। ओवर कुकिंग में क्या होता है, आपने इतना पका दिया कि वो जलने लग गया, बर्न्ट हो गया खाना, इससे भी सारे खाने के न्यूट्रिशन लॉस्ट हो जाते हैं। ट्राई टू कुक फूड मतलब डू नॉट ओवर कुक। ओवर कुकिंग से वो खाना आपके लिए सेहतमंद नहीं रहता है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट, आप कई बार ना हाई हीट पर खाना बनाते हैं, तो आप ये देखिए अगर आप खाना अपना हाई हीट पर बना रहे हैं, वो भी जितने भी विटामिन्स हैं आपके खाने के, वाटर सोल्यूबल मिनरल्स है या विटामिन्स हैं, इनको लॉस्ट कर देता है। तो ट्राई टू कुक फूड ऑन द मीडियम हीट, मतलब हाई हीट पे खाना मत बनाइए। एक और मिस्टेक हम जो करते हैं बेसिकली एवरीडे, आपने जब कोई चीज़ अपने बॉइलिंग के लिए डाली तो ज़्यादा टाइम तक उसको बॉयल मत कीजिए, उससे भी वो अपने मिनरल्स एंड विटामिन्स को लूज़ कर देगा खाना, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अनदर इम्पॉर्टेंट मिस्टेक, कई बार क्या करते हैं ना हम लोग, जो होता है पालक हो गई, केल हो गई, ऐसी चीज़ें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उनको हम कट करते हैं, मतलब शार्प अपना आपके पास एक शार्प नाइफ है उससे। आपको पता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कभी भी हमको नाइफ से कट नहीं करना चाहिए, उसको करने से वो अपने न्यूट्रिशन बहुत जल्दी लॉस कर देता है। तो ट्राई टू कट, अगर आपको करना है वेजिटेबल हाथ से तोड़ लीजिए, नहीं तो उनको पूरा का पूरा उबाल के बना लीजिए, क्योंकि कटिंग से उनका न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट मिस्टेक, कई बार क्या करते हैं हम लोग ना नॉनस्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं उसको हाई फ्लेम पर। तो नॉनस्टिक के बर्तन को अगर आपको यूज़ करना है तो उसको लो फ्लेम पर यूज़ कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, ट्राई टू एवॉइड नॉनस्टिक बर्तन, आयरन के बर्तन, आयरन कास्ट के बर्तन को यूज़ कीजिए। उससे यूज़ करने से आपके खाने में काफ़ी सारा आयरन भी आएगा जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। ट्राई टू एवॉइड द नॉनस्टिक कुकवेयर्स, क्योंकि वो अगर एक बार वो लूज नॉनस्टिक अपना कोटिंग लूज होने करने लग गए तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। एक और मिस्टेक हम लोग जो करते हैं वो ये, कई बार खाना बनाने में हमको पता नहीं होता हम कौन सा मेथड यूज़ करें। जैसे आप ब्रिंजल या जुकनी बना रहे हैं तो उसको रोस्ट करके बनाएं, क्योंकि अगर आप उसको रोस्ट करके बनाते हैं उनके न्यूट्रिशन इंटैक्ट हो जाते हैं।
और ऐसे ही जो रूट वेजिटेबल्स है लाइक कैरेट हो गए, पोटैटो, इनको आप ना कढ़ाई में स्टर फ्राई करके बनाइए, उससे उनके न्यूट्रिशन इंटैक्ट होते हैं। तो ट्राई टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड जब भी आप कुकिंग कर रहे हैं, इससे आपकी कुकिंग भी बेटर होगी, न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहेंगे, जो आप खाना खा रहे हैं वो आपको फ़ायदा देगा रादर देन कि आपको नुकसान दे। आई ट्राई टू ब्रिंग मोर एंड मोर गुड इन्फॉर्मेशन टू यू। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।